हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, और जो यूनिट हमारी चल रही थी वो विषम चक्रीय यौगिक चल रही थी, और वहां हम एंडोल के संश्लेषण पढ़ चुके थे, उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुकी थी, और अब जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था क्विनोलिन के संश्लेषण। उस क्विनोलिन के संश्लेषण में हमने तीन संश्लेषण पढ़ लिए थे। आज हम जो फोर्थ लिख रहे हैं वो है क्लास अभिक्रिया, तो ये पढ़ेंगे आज। तो क्लास अभिक्रिया क्या होती है? क्लास अभिक्रिया जब मैथिलीन क्लोराइड में इंडोल का विलयन बनाकर उसमें CH3I यानी मैथिल लिथियम डालते हैं तो क्लोरोमैथिलीन के द्वारा वलय का विस्तार हो जाता है। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्लास अभिक्रिया। वलय का विस्तार होने के बाद इसमें इंडो क्विनोलिन बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है वो रिएक्शन हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडोल की बात करते हैं। तो इंडोल क्या होता है? ये होता है, इस इंडोल की रिएक्शंस हम मैथिल लिथियम के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? मैथिलीन क्लोराइड की उपस्थिति में। मैथिलीन क्लोराइड की उपस्थिति जो हम रिएक्शंस कराते हैं तो इस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बढ़ता है वो क्विनोलिन बढ़ता है। क्विनोलिन तो रिएक्शंस आ गई। अब हम इसकी देखते हैं क्रियाविधि कैसे होती है। जब आप इसकी क्रियाविधि देखोगे तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मैथिलीन क्लोराइड जो होता है इसमें से HCl रिलीज होता है और ये बनता है CHCl। ये जो CHCl बना ये कार्बिन होती है, और कार्बिन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस इंडोल पर योग करेंगे। तो कैसे करेगा वो देखो। ये इंडोल था, इस इंडोल की रिएक्शंस मैंने CHCl से करा दी, या फिर ऐसे करो ये जो पहले इंडोल है इस इंडोल की रिएक्शंस आप मैथिल लिथियम से कराओ। मैथिल लिथियम के साथ जब कराते हैं तो ये ऑर्गेनिक है, कंपाउंड है, ये माइनस हो जाता है ये प्लस, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपने देखे जाएगा, तो प्लस के रूप में निकले, प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये माइनस CH4 हो गया, यानी CH4 बार लिथियम प्लस ये नाइट्रोजन पर आके जुड़ जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा रिंग लिथियम प्लस ये बड़ा। इसकी रिएक्शंस CHCl से होती है, तो इसमें जब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, जैसे ही बड़ा ये रिंग CHCl ये 6 मेंबर रिंग एंड लिथियम CHCl ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का होता है साइक्लाइजेशन यानी चक्रीकरण। वो कैसे होगा? कार्बन और Cl में विद्युत ऋणता Cl की ज्यादा, तो बंद इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? Cl। Cl जैसे ही बंद इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, तो इस बंद इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा, यहां जाते ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। तो देखो अब क्या बना, ये इस कार्बन और ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है ये दो, ठीक। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ये आ गया, और ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इसमें से लिथियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा क्योंकि ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा और ये प्लस है, तो लिथियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा।
जो ये प्रोडक्ट बड़ा, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं किमनोलिन। और ये जो रिएक्शन, अब देखो साइक्लाइजेशन यानी वलय का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, ये पहले कैसे कितनी मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग, अब जो ये बन गई कितने मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वलय का विस्तार हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लास अभिक्रिया। आई होप ये क्लास अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो ये है क्लास अभिक्रिया, किसकी है, किमनोलिन बनाने की एक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रिएक्शन, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ रहे हैं फिजिंगर अभिक्रिया। ये फिजिंगर अभिक्रिया भी किमनोलिन बनाने का एक संश्लेषण है। इसमें क्या होता है, इस विधि में आइसोसेटिन, आइसोसेटिन को कीटोन की उपस्थिति में, कीटोन की उपस्थिति में क्षार के साथ गर्म किया जाता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिजिंगर अभिक्रिया। अब अपने एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उसकी रिएक्शंस करेंगे, एसीटोन की रिएक्शंस कराएंगे हम एनएच के साथ, तो क्या बनेगा, एसीटोन की उपस्थिति में किसकी रिएक्शन आइसोसेटिन के एनएच के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, 2-methylquinoline। तो आइसोसेटिन क्या होता है वो देखते हैं, फिर अपन इसकी रिएक्शन देखो, ये है आइसोसेटिन, आइसेटिन मैं क्या लिख दूं इसको, आइसेटिन। इस आइसेटिन की रिएक्शंस हमें करानी है एनओएच के साथ। जब इसकी एनओएच के साथ रिएक्शंस होती है तो क्या बनता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, तो एनओएच का यहां ओ नेगेटिव, एनए प्लस और इधर एच, तो जो प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, रिंग। अब देखो ये सी है तो ये सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एन ए प्लस, तो सी ओ ओ नेगेटिव एन ए प्लस, और ये क्या जुड़ गया, एन एच टू, क्लियर। इसकी रिएक्शन जो बना है ये कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हम एसीटोन से करा देंगे, और एसीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ये सी एस। जब इसकी एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन और ये एस टू रिलीज हो जाएगा, एस टू भार, जैसे एस टू भार होगा तो कंपाउंड क्या बना, रिंग, पाई बॉन्ड, COO, Na plus, double bond, CH, C, C double bond O, CH3, NS2, क्लियर है, ये बड़ा। इस कंपाउंड के आगे रिएक्शन होगी, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, देगा तो क्या बना, रिंग, सी ओ ओ सी एस थ्री ओ नेगेटिव एच एच पर आ गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एच प्लस के रूप में निकलेगा, एच प्लस के रूप में निकलेगा तो ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिंग, ओ एच हो जाएगा, ये एन एच, ये कंपाउंड। अब इससे नेक्स्ट स्टेप होता है, क्या होता है, ये एच और ये ओ एच बाहर हो जाते हैं, हीट करते हैं, तो ये बड़ा कंपाउंड रिंग, यहां पे है पाई बॉन्ड। अब देखो क्या,
इस कंपाउंड का आप करा दो हाइड्रोलाइसिस, जलापटन, और जलापटन करते ही एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसका सोडा लाइम डाल दो तो ये सीधा क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं टू मैथिल केमोलिक। और ये जो रिएक्शन है ये है फिजिंगर अभिक्रिया। इस फिजिंगर अभिक्रिया में क्या बना है, टू मैथिल केमोलिन, होती क्या है एसीटिल को कीटोन की उपस्थिति में क्षार के साथ गर्म करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया इसका कि एसीटोन की उपस्थिति में एसीटिल को एनएच के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, टू मैथिल केमोलिन। यह है एसीटिल, एसीटिल की रिएक्शन क्षार के साथ, यानी क्षार मैंने क्या लिया है एनएच, एनएच लिया है इसकी रिएक्शन इसके साथ, तो इस NOH का O नेगेटिव H प्लस में टूटा तो O नेगेटिव N इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक यहां से हो गया, ये बना। इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ कराई, इसको क्या बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं इसको एसीटोन। इस एसीटोन के साथ रिएक्शन कराई तो यहां से H2 निकला, ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड में ये जो C डबल बोन्ड O है ये बोन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस आते ही लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये नाइट्रोजन पे प्लस है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो नाइट्रोजन का प्लस खत्म, H प्लस जाके यहां जुड़ जाएगा, ये बना। इससे नेक्स्ट क्या होता है, यहां से एस्टर रिलीज होता है, ये बन जाएगा, ये एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये इस पे सोडा लाइम डाल दो तो ये बनेगा टू मैथिल केमोलिन, ये सब खत्म हो जाता है, CO2 Na2CO3 बाहर हो जाएगा और ये बनेगा टू मैथिल केमोलिन। और ये जो अभिक्रिया है ये फिजिंगर अभिक्रिया। तो आज दो रिएक्शन खत्म हुई, ठीक है, थैंक यू।